अगला अक्षर है अपने को ले कक्का। कक्का किदा लिखना है जिदा आप हाहा लिखा सीगा सेम है। जिस तरह आपने हाहा लिखा सीगा हाहे नू आपां की कर देंगे थोड़ा जा जा जे कह लो उन्हों उपर ही मोड़ देंगे। ठीक है उपर नीचे नहीं टच करना। इतने आप की देना एक डॉट डॉट शो करना तो बच्चे इतने इदा लेके जा कक्का स्लीपिंग लाइन जे नीचे डॉट राइट साइड ते डॉट शो कर दो लाइन दे उत्ते बच्चा अप लाइन नू टच अप टच स्लीपिंग लाइन ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल थल्ले नहीं लाना थोड़ा जा राइट साइड देते बच्चे नू कहना इन्ना टच करो कक्का। उस तो बाद आ गया अपने को वर्ड खखा। खखे दे लिए बच्चा काउंटिंग दे विच फोर लिखता है लाइक दिस। हुण आपां यही सिखाना भी पहला फोर थ्री लाइन्स वन टू थ्री जो बच्चा आगे चला जाऊगा मतलब कर्सिव राइटिंग दी बुक्स में यूज़ करना शुरू कर दूंगा फिर उन्हें अपनी 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 फॉर्मेशन जी चेंज कर लेनी है हौली हौली। कक्का कक्का गग्गा गग्गा जिदा आप बच्चे हाया सिखाया सीगा जिस तरह बच्चे आप हाहा सिखाया सी उदा ही सिखावे आप ये आप फिर जे की लोड़ पैनी है जो थले टच करता है। स्लीपिंग लाइन जे जे का मूँह बंद कर दो स्टैंडिंग लाइन कक्का कक्का कग्गा नाओ कग्गा कग्गा दे विच आपां की करना है स्मॉल यू पाने हैं जिहड़े छोटे यू हुंदे आ लाइक दिस। स्लीपिंग लाइन यू आप वही लाइन दे उत्ते आपां वापस आना है यू स्टैंडिंग लाइन स्मॉल स्लीपिंग लाइन हियर कग्गा कग्गा। उदू बाद अपने को वर्ड आ जाता है गंगा। गंगा दे विच की चाहिए अपन स्लीपिंग लाइन समॉल स्टैंडिंग लाइन फिर जो अपने कक्का सीखा सीगा वो ये नीचे पाना पर थोड़ा जा इतना ठीक है। स्लीपिंग लाइन समॉल स्टैंडिंग लाइन अगेन कक्का इतों शुरू करना है कक्का जो बच्चा फ्लो च चल जूगा अपने आप बच्चे हौली भी आ जाएगा। यह है गंगा ये इंग्लिश के साउंड हैगी है एन जी ए एन ए जी डबल ए गंगा। तुसीं इहनूं पंजाबी दे विच बोल के देखो जिवें आपां कह दिंदे आ कि कोई फूड उन्हूं ढकया नहीं होया नंगा पिया है वर्ड हैगा नंगा इत्थे कंसनट्रेट करो। हुण तुसीं इहनूं बोलना आ बोलना मूँह बंद करके आ तां जो जिहड़ी साउंड आ तुहाडे नक्क दे विचों आवे बोल के देखो मूँह बंद करके नैक्सट। हुण आपां इदा बोलना है कि लिप्स जरूर खुले होणगे गले चो जिहड़ी आवाज़ आऊगी उन्हूं आपां रोकना आ जिहड़ी अपने कोल टंग आ टंग का एक फ्रंट पार्ट हुंदा स्टार्टिंग वाला तो सेंटर पार्ट जिहड़ा सेंटर पार्ट है ना टंग का उन्हूं आपां ला लेना अपने तालू दे नाल उपर बिल्कुल टच कर देना ठीक है। टच करके फिर तुसीं ये वाला वर्ड बोलना
टच करके फिर तुम ये वाले वर्ड बोल के देखो। साउंड जिहड़ी आ तुहाडे नक राही बाहर आऊगी, वो साउंड बन जानी है इहदी। मूँह राही बाहर नहीं कढ़नी, मूँह जरूर खुलदा है इहदे विच, बट साउंड जिहड़ी आ नक राही बाहर आऊगी, क्योंकि आपां जिहड़ी इहदी साउंड गले चो आ रही सी उहनूं आपां रोकता तालू दे नाल, जीभ दा सेंटर पार्ट ते तालू दे नाल टच करके।